ट दट दर्ट टू टू अब टोल एंडम हो या स्नपो हो कुछ भी होगा जल्दी जैसी आएगी न्यूज उसको ऑथेंटिकेशन चेक करके कि वो सही है कि नहीं सही अब तक मैं पब्लिश कर दूंगा हंड्रेड वन परसेंट सो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर लेना स्नैप रिलेटेड और भी वीडियो आने वाली है क्या पैटर्न चेंज होने वाला और पैटर्न के अंदर क्या कितने क्वेश्चन आएंगे और किस किस लेवल के आएंगे ब्लू प्रिंट पूरा वो भी मैं वीडियो डालूंगा सो so, लेट स्टार्ट

And the best performance of candidate out of the attempts he or she made will be considered for final percentile calculation. तो जो भी उसकी दोनों में से बेस्ट परफॉर्मेंस होगी वो कैलकुलेट की जाएगी उसके बेसिस पे ठीक है स्नैप विल बी बी कंडक्टेड यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी जिसको कह देते हैं एंड एप्लीकेशन फी विल 1750 फॉर ईच अटेम्प्ट ऑफ स्नैप 2020 तो दोबारा दोगे तो दोबारा आपको पे करना होगा और आपको ये पहले से ही ध्यान में रखना है कि आपको एग्जाम स्नैप का दो बार देना है कि एक बार ठीक है वेल well, एडवांस पहले ही सोच के रखना मेरे तरफ से सबको एडवाइस यही है कि दो बार तो जरूर देना एक बार नहीं दोनों बार दे दो ठीक है अगर इफ यू कैन अफोर्ड अब आते हैं कि जो पैटर्न है वो क्या है स्नैप ट्वेंटी का पैटर्न यहां पर है ये स्नैप ट्वेंटी एग्जाम कितना छोटा हो गया यार मिनट्स 60 मिनट्स 60 का एग्जाम है जस्ट सेट एंड जब तक आपको कुछ समझ आएगा एग्जाम खत्म हो चुका होगा टोटल नंबर क्वेश्चन ऑफ 120 से 60 कर दिए ठीक है जनरल इंग्लिश जिसके अंदर आपका रीडिंग कॉम्प्रीशन वर्बल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी आता है सिर्फ उसके 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का मतलब समझ लो शायद एक आर सी आएगी बाकी सब कुछ नॉर्मल इधर उधर के वर्बल एबिलिटी और वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे ठीक है और उसके बाद क्वांटिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी के ऊपर सिर्फ टोटल टोटल ट्वेंटी क्वेश्चन तो क्वांट्स की वेटेज आप सोचो कितनी होगी दस से पंद्रह शायद इसके ऊपर जैसे मेरे को आ जाएगी ना ऑथेंटिकेशन की हाँ कितने क्वेश्चन होने वाले ब्लू प्रिंट क्या रहने वाला है मैं आपके साथ जरूर से उसी समय शेयर कर दूंगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना उस वीडियो के लिए ऑल राइट फिर उसके बाद जाते हैं एल आर एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपको थर्टी सिक्स क्वेश्चन थे अब हो गए सिर्फ पच्चीस स्पेशल क्वेश्चन कोई है ही नहीं देर नो स्पेशल क्वेश्चन नील कर दिया उसका कुछ है नहीं है अब सिर्फ नील है ठीक है मार्किंग पैटर्न मार्किंग पैटर्न क्या है एक मार्क मिलेगा सही आंसर करने के लिए और 25 परसेंट नेगेटिव मार्किंग तो मतलब कि एक मार्क्स अगर तो सही करने के लिए तो 0.25 टू डिडक्ट हो जाएगा गलत करने के लिए नेगेटिव मार्किंग अभी भी है ऑल राइट सो एक मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव जीरो फॉर एवरी नेगेटिव क्वेश्चन ऑलराइट दिस इज अ पैटर्न चेंज और सेम पैटर्न आपको हमारी टेस्टिस में मिलने वाला है ठीक है यही सेम पैटर्न आपको मंडे से हमारी टेस्टिस में मिल जाएगा और हम काफी सारे लाइक uh, मॉक्स like, भी लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी आपको बता तो हूं यहां पर आपके पास ये वाली स्नैप 2020 से 10 फुल लेंथ टेस्टिस मिलती है 12 सेक्शनल्स मिलते हैं ठीक है तो आपको सेम टू सेम जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग मिल जाएगा मंडे से और right. में स्नैप का हमारा नया बैच शुरू होने वाला अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया स्नैप के लिए तैयारी करना तो स्टार्ट कर दीजिए फिफ्थ अक्टूबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है अगर आपको अभी ऑनगोइंग करना है तो ऑनगोइंग भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके और डिटेल्स देते हैं सारी लाइव क्लासेस होती है एन भी हैजल्ट वाप दिस कोर्स दिस ऑफ द बेस्ट कोर्स ऑफ एल्फोरी और लाइट एन मेट स्नैप के तो हमारे बहुत तगड़े तगड़ रिजल्ट आ चुके हैं मैंने आपके साथ बहुत पहले भी शेयर करें आगे भी आपको दिखाता हूँ वीडियो के अंदर एंड बहुत जल्दी मैं स्नप्स के स्टूडेंट्स को बोलूंगा जो मेरे यहाँ से पढ़ के गए हैं और जो एम एम एस के हैं उनको भी वो अपना एक्सपीरियस यहाँ पर शेयर करेंगे कैसे उन्हें प्रिपेयर किया क्या मोटिवेशन एंड नॉलेज लाइक स्टाफ वो आपका साथ शेयर करेंगे चैनल के ऊपर तो जरूर से सब्सक्राइ कर लेना एंड फॉर कोर्सेज एंड द टेस्ट सीरीज यू कैन विज द वेबसाइट विच इज लिविंग इज गिविन इन द ब्लो

एंड डोन्ट टू हिट दिन लाइक ऑल योर फ्रेंड जितने भी दोस्त है सबके साथ शेयर कर दो स्नैप का पैटर्न आ गया है चेंजेस आ चुके हैं दो बार एग्जाम दे सकते हो तीन बार होगा दो बार आप दे सकते हो ठीक है इट्स पॉजिटिव चेंज हंड्रेड परसेंट रिकमेंडेड स्नैप देना ही देना चाहिए ऑल राइट एंड बहुत अच्छे अच्छे, अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं इसके अंदर आपको एस आई बी एम पुणे मैंने इसके अंदर पहले भी एक लिस्टर किया था एस आई बी एम आपका बेंगलोर वाला फिर आपका एस सी एम एच आर डी ठीक है ये आपको वो जो पुणे वाला है वो फिर एक आपको मिल जाता है एस आई आई बी पुणे ठीक है एस आई ओ एम एस आई ओम मिल जाता है नासिक वाला बहुत सारे और भी कॉलेजेस हैं उसकी मैंने लिस्ट एक पहली वाली कॉलेज में पहली वाली वीडियो में शेयर करा था ठीक है उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऊपर आई बटन में इस पर आप क्लिक करके देख सकते हो मैं इसमें बता भी दिया था दो दिन पहले कि चेंज आने वाला है ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे थे कि नहीं आएगा बट ये चेंज इज हेयर और फाइनली मैंने बता दिया हमारी जो न्यूज होती है ना हंड्रेड परसेंट ट्रू ही होती है झूठ नहीं होती है बिकॉज मैं चेक करके भी बताता हूँ आपको सब कुछ ऑल राइट सो दैट सेट थैंक यू वेरी मच हेव लवली ऑसम डे डेड